विस्फोटक है अंदाज और जब ग्राउंड पर होते हैं तो करते हैं चौके और छक्के की बरसात। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का आत्मविश्वास फिलहाल सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। जब से भारतीय टीम में हार्दिक पांड्या ने वापसी की है तब से लेकर अब तक उन्होंने भारत के लिए कई महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं और अब जब टीम इंडिया इंग्लैंड जैसी मुश्किल टीम के खिलाफ उन्हीं की सरजमी पर T20 मुकाबला खेल रही है, वहां कुंफू पांड्या ने पहले ही मैच में अपनी शानदार बल्लेबाजी से एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और इंग्लिश टीम के गेंदबाजों को उन्हीं के घर में परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं। तो आखिर कैसे हार्दिक पांड्या ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में खेली तूफानी पारी जिसके बाद उनके नाम हुआ एक खास रिकॉर्ड, जानने के लिए देखिए हमारा ये रिपोर्ट। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला साउथहैम्पटन के एजिस बॉल में खेला गया जहां भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद कप्तान रोहित ने लंबे ब्रेक के बाद आखिरकार अपना जलवा दिखाया और शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। हालांकि रोहित एक बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं हुए लेकिन उन्होंने 14 गेंदों में 24 रन बनाकर भारत को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाई। हालांकि रोहित के जाने के बाद दीपक हुड्डा ने अपनी पारी को वहीं से शुरू किया जहां उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ छोड़ा था। हुड्डा ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी पर ईशान किशन कोई खास कमाल नहीं कर सके और केवल 10 गेंदों में 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पर दीपक हुड्डा ने 17 गेंदों में 33 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं सूर्य कुमार यादव ने भी अच्छे हाथ दिखाते हुए 19 गेंदों में ताबड़तोड़ 39 रन बना डाले। लेकिन जिस बल्लेबाज ने इस मुकाबले में अपना सर्वाधिक स्कोर बनाया था वो थे टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जिन्होंने इस पहले मुकाबले में ही अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सभी फैंस का दिल जीत लिया। हार्दिक पांड्या ने साउथहैम्पटन में जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजायरा पेश किया और स्टेडियम के चारों कोनों में चौके और छक्के की बारिश कर दी। पांड्या ने लगभग हर गेंदबाजों को रिमांड पर लिया और उनकी धुआंधार बल्लेबाजी के कारण टीम इंडिया इस पहले T20 मैच में काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गई। इस दौरान हार्दिक ने अपने T20 करियर में एक विशेष उपलब्धि भी हासिल कर ली है। दरअसल हार्दिक पांड्या अपने 62वें T20 मुकाबले में जाकर पहली बार खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में अर्धशतक जड़ने में कामयाब हुए हैं। हार्दिक पांड्या ने साउथहैम्पटन में 33 गेंदों में 51 रनों की शानदार पारी खेली और भारत के लिए सर्वाधिक स्कोर करने वाले बल्लेबाज बने। उनकी पारी के बदौलत ही टीम इंडिया पहली पारी में एक बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हुई। वैसे दोस्तों, आप हार्दिक पांड्या के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करना।